बिजली निगम के निजीकरण के खिलाफ लगातार पांचवें दिन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुख्य अभियंता कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बिजली निगम के निजीकरण को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर दीपक गुप्ता, ब्रजेश त्रिपाठी, शिवम चौधरी, शशि कपूर, कैलाश प्रसाद, राजकुमार, पुनित निगम, अजय कुमार, उपेंद्र पाल, पंकज गुप्ता, प्रभुनाथ प्रसाद, राम अवतार यादव, अरुण गुप्ता, नरसिंह मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघर्ष समिति के संयोजक ऐश्वर्य सिंह ने कहा, जोरदार नारा लगाइए जिससे एक जबरदस्त सूचना जो हमारे बीच से जानी है, जबरदस्त प्रभावित इंकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, समृद्धि जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, वापस लो, ऐश्वर्य सिंह, संघर्ष समिति संयोजक गोरखपुर। जो हमारे विरोध प्रदर्शन है आज पांचवा दिन चल रहा है। मुख्य मांग हमारी यही है कि जो निजीकरण को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है कि पूर्वांचल के निजीकरण को लेकर के आगे बढ़ रही है, उसके अगेंस्ट में हम ये अपनी जो भी विरोध प्रदर्शन है कर रहे हैं। 2018 में निजीकरण का जब एक दौर चला था तो ऊर्जा मंत्री से लिखित समझौता हुआ था कि बिना ऊर्जा विभाग के लोगों को साथ में लिए बिना, बिना विश्वास में लिए बिना कोई भी निजीकरण का प्रयास आगे नहीं किया जाएगा। लेकिन उनका ये उस समझौता का उन्होंने खुलेआम उल्लंघन किया है। उन्होंने खुलेआम उल्लंघन करके फिर से पूर्वांचल के निजीकरण करने का एक जो सपना देखा है उसको कोई बिजली कर्मी पूरी तरह से साकार होने नहीं देगा।